हरों का परिमेय करना। तो हर में जैसे कि हम फोर नंबर क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, 1/2 2+√3। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया हर। तो हर का परिमेयकरण जब भी करेंगे तो परिमेयकरण करने के क्रम में क्या करते हैं हम, देखो मेरे पास मान लो कि इस पॉकेट में 10 रुपया है, ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर मान लो कि हम इस पॉकेट में 10 रुपया रख दें, इस पॉकेट से 10 रुपया निकाल लें, फिर भी हमारे पास कितना बचेगा, 10 ही बचेगा ना। तो तात्पर्य है कि अगर मान लो कि 4 है और 4 को ऊपर नीचे अगर 2/2 से गुने कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो 4 दूनी मान लो कि कहोगे तुम 8 हो गया सर, 2/2 काटोगे तो फिर 4 ना हो जाएगा जी। तो ऊपर नीचे दोनों से सेम। तो हम इसमें परिमेयकरण में क्या करते हैं, बस इसका प्लस है तो इसको माइनस से, यानी 2 √3 से ऊपर गुना कर दिया और 2 √3 से नीचे। अगर ये दोनों काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम। तो इसमें क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, तो देखो 1 से इसको गुना करेंगे, 1 से गुना कर देंगे तो 2 √3, क्योंकि किसी भी संख्या को जब 1 से गुना करते हैं तो वह संख्या खुद रहे। अब यहाँ देखो फॉर्मूला पे आ गया, इसको अगर हम a मानेंगे तो a प्लस b नहीं आ गया, और इसको फॉर्मूला मानेंगे तो a माइनस b। तो फॉर्मूला होता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस, अब देखो a के जगह पर कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लिखें तो 2 √3 तो रहेगा ही, 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 = 4, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 का वर्गमूल 3, यानी हो गया 2 √3/1। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए आंसर हो गया 2 √3। इसी को कहते हैं परिमेयकरण, आसान है, ऐसा कोई भी सवाल रहेगा उसको आसान से बना लेंगे।